हेलो फिर से मतलब नए वीडियो में दोस्तों, आज वाले वीडियो में मैं आपसे बताने वाला कि आपने माइनक्राफ्ट पॉलिटिजन में ये हाफ हार्ट चैलेंज वाला मैप तो ऐसे डाउनलोड कर पाए। तो प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा इजी है और मैं आपको पूरा डिटेल के साथ बता दूंगा कि आपको इसे कैसे करना है, एक्सपोर्ट और सब कुछ। तो आपको क्या करना है, आपको बस इस वीडियो जो है पूरा एंड तक देखना है। और हाँ दोस्तों, मैं आपको पहले ये चीज़ बता दूँ कि हमारे चैनल को 90% बंदों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करते रहता, मतलब हमारे वीडियो देखेंगे बट सब्सक्राइब नहीं करेंगे। अरे यार फ्री होता है कर दिया करो, मुझे भी तो जल्दी से जल्दी 1K करना है ना, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, सबसे सब एक साथ मिल जाए, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसे डाउनलोड करने का प्रोसेस तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे ये हमारा मैप किस कराता है, क्योंकि ये जो जावा एडिशन होता है ना पूरा डिट्टो उसी तरह का है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टार्ट का बटन आपको मिल जाएगा, इस उस साइड में आपको एक लीवर मिलेगा और उसका अपोजिट साइड में यहाँ पे स्टार्ट और यहाँ पे एक मैप। तो आपको इधर क्या करना है, आपको इधर जो स्टार्ट वाला बटन है इसमें से क्लिक कर देना है। तो फिर आप यहाँ पे जो है टेलीपोर्ट हो जाओगे कहीं पे, मतलब, और देख लीजिए ये जो है एकदम जावा एडिशन वाला मैप की तरह है और आपको इसमें जो है बहुत ज़्यादा मजा आएगा। तो यहाँ पे आप जैसे ही आ जाओ तो यहाँ पे पहले रिस्पॉन्ड पॉइंट सेट कर लेना, उसके बाद यहाँ से जो है अपना पार्कोर वाला मैप को स्टार्ट कर लेना। तो मैंने एक ही बार में ट्राई कर लिया, मैं ट्राई नहीं मैंने एक ही बार में पास कर लिया, क्योंकि मैं बहुत बार इसे खेल लिया, इसीलिए मेरा जो है हैबिट हो चुका है। और यहाँ पे आपको बटन मिल जाएगा, यहाँ पे आप प्रेस करके यहाँ पे आ सकते हो। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कुछ इस तरह का मैप है। यहाँ पे इसमें जो टोटल 8 मैप्स है वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे है। मैं पहले क्रिएटिव करके मैं आपको सारा मैप दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने क्रिएटिव भी कर लिया, यहाँ पे अब मैं उड़ भी सकता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे वाला मैप देख लीजिए, या यहाँ पे इस तरह का मैप है और मैं यहाँ से जो है बाहर निकल जाता हूँ और आपको तो सारा मैप जो है दिखा देता हूँ। देख लीजिए ये सेकेंड हमारा मैप था, हम लोग अभी फर्स्ट मैप से डायरेक्ट सेकेंड मैप में आ चुके हैं। यहाँ पे हमारा देखिए ये फर्स्ट मैप था, ये सेकेंड मैप, और इधर पे 3, उधर पे 4, फिर हमने इधर वापस आ जाता है 5, फिर इधर पे 6 आ जाता है, इधर पे 7 आ जाता है। 7 में हम लोग चल जाएंगे नेदर फोर्ट्रेस में, और फोर्ट्रेस में शायद हाँ नेदर में चल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारा आ जाएगा एंड, 8 में हमारा एंड आ जाएगा और वहाँ पे हम लोग जो स्पॉन हुए थे स्टार्टिंग में। चलिए मैंने आपको तो सारा जो वर्ल्ड तो दिखा दिया, अब मैं आपको बता देता हूँ इसे डाउनलोड करने का प्रोसेस। डाउनलोड करने का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, तो चलिए मैं आपको बताना जो है स्टार्ट कर लेता हूँ। सॉलिड दोस्तों, मेरे से फेवरेट सिस्टम में आपको एक लिंक मिलेगा, आपको क्या करना है, आपको उस लिंक में क्लिक करना है। बट अभी मत क्लिक करिएगा, पहले पूरा वीडियो तो एंड तक देख लीजिए, समझ जाइए तभी करिएगा, नहीं तो आप बोलेंगे कि हमारा नहीं हो रहा है, आप क्या दे दिए नहीं दे दीजिए, ठीक है। आपने तो आने कमेंट में जरूर ये बताएंगे, मुझे पता है, इसलिए मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। पहले वीडियो पर एंड तक देख लीजिए, समझ जाइए कैसे करना है। देख लीजिए आपको जैसे उस लिंक मिलेगा, आप उस लिंक में जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ उनका वेबसाइट ओपन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको इसमें जो डाउनलोड वाले सेक्शन में से क्लिक कर देना है। तो आपको ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। मेरे में देखिए जल्दी डाउनलोड हो चुका है, मेरे में ये डाउनलोड देखिए ऊपर में ये हो भी चुका है डाउनलोड। तो अब मैं जैसे डाउनलोड हो चुका है तो मुझे क्या करना है, इधर से मैं ये हटा देता हूँ। मैं आपको अब बताता हूँ कि आगे आपको क्या करना है। तो जैसे ही डाउनलोड हो जाए तो आपको क्या करना है, आपको अपना zArchiver को जो है ओपन कर लेना है। तो मैं भी अपने zArchiver को पहले ऐप को ओपन कर लेता हूँ। तो ऑलरेडी तो देखिए वहाँ पे zArchiver जो ऐप है वो भी ओपन हो चुका है। ये zArchiver अगर आपको अभी नहीं पता है ये कौन सा ऐप है तो इसका लिंक में इसका भी लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो फिर आप जो है zArchiver तो जो ओपन कर लीजिएगा। zArchiver को ओपन करने के बाद आपको आ जाना है अपने डाउनलोड वाले सेक्शन में। डाउनलोड वाले सेक्शन में आने के बाद आपको इधर जो है सर्च करना है हाफ, ठीक है, ऐसे हाफ करके आप उसे सर्च कर दीजिएगा। तो फिर यहाँ पर आपका ये फाइल आ जाएगा, हाफ हार्ट चैलेंज मैप मिथपैट 7Z, ठीक है, आपका ऐसे फाइल आ जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, आप सोच रहे हैं zArchiver लाया बहुत सारा झमेला मिला है, लेकिन नहीं, ये बहुत ज़्यादा ही सिंपल है। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। तो देखिए आप जैसे ये वाला फाइल रहेगा, आपको क्या करना है, इसमें एक बार ऐसे क्लिक करना है। एक बार क्लिक करने के बाद आपके जो एक्सपर्ट का ऑप्शन आएगा, ठीक है, आपको इसमें ऐसे क्लिक कर देना है। इसमें आप जैसे क्लिक करोगे तो आप थोड़ा बैक आ जाओगे। तो अभी आपका एक्सेप्ट नहीं हुआ है, आप जब डाउनलोड वाले सेक्शन में, इसलिए मैं आपको बुलाया जाती थी, आप डायरेक्ट यहीं पे जो है पेस्ट कर सकते हैं। तो आप जैसे यहाँ पे जाएंगे तो फिर यहाँ पे आपका नीचे में देखिए ग्रीन कलर जैसे गोल सा आइकन रहेगा एक्सेप्ट का, ठीक है। तो फिर आप बाद में इसमें से क्लिक कर दीजिएगा। तो फिर आप देखिए यहाँ पे हमारा जो एक्सेप्ट हो चुका है हाफ हार्ट चैलेंज मैप मिथपैट, ऐसा आपका हो जाएगा। करने बाद आपके इधर देखिए हाफ हार्ट चैलेंज मैप मिथपैट ऐसा से आ जाएगा। ये आने के बाद आप इसमें जो है होल्ड करते रहना है। होल्ड करने के बाद आपको इधर जो है इसे कट करना है। कट करने के बाद आपको इधर जो है बैक कर लेना है। बैक करने के बाद इधर आपका गेम्स रहेगा। गेम्स में आपको रहेगा com.mojang। com.mojang में आपका एक तो माइनक्राफ्ट वर्ल्ड रहेगा, आपको इसमें ऐसे क्लिक कर देना है। फिर बाद में आपको यहाँ पे देखिए नीचे तरफ एक ग्रीन कलर का मतलब कट का ऑप्शन रहेगा, ठीक है, ऐसे आपको इसमें से क्लिक कर देना है। तो फिर आपको यहाँ पे जो मैप वाला आ जाएगा। तो फिर इतना करने के बाद आपको अपना जो zArchiver तो ऑफ कर देना है। फिर अपने माइनक्राफ्ट को रिस्टार्ट से ओपन करना है, मतलब शुरू से ओपन करना है पूरा सब जगह से रिफ्रेश करने के बाद। सॉलिड तो देखिए हमारा जो माइनक्राफ्ट भी ओपन हो चुका है। माइनक्राफ्ट आपका जब ओपन हो जाता है तो क्या करना है, इधर प्ले वाले सेक्शन में ऐसे क्लिक करना है। प्ले वाले सेक्शन में क्लिक करने का आप एकदम डाउन में चले जाना, एकदम नीचे तरफ आपका देखिए हाफ हर्ट चैलेंज मैप रहेगा, ठीक है। आपको अभी इसे ओपन मत करिएगा, पहले यहाँ पे जो पेंसिल वाला आइकन रहता है आपको इसमें से क्लिक करना है। पेंसिल वाले आइकन में से क्लिक करने के बाद इधर पे आपको थोड़ा नीचे तरफ आ जाना है। नीचे में आने के बाद इधर पे आपको वर्ल्ड ऑप्शन में फ्रेंडली फायर जो रहेगा ना इसको आपको जो है ऑफ कर देना है, या आपका ऑन रहेगा इसको जो है आपको ऑफ कर देना है। क्यों करना है वो आपको मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप इसे ऑन रखते हैं तो फिर आपका जो पूरा वर्ल्ड है वो ऑटोमेटिकली पूरा जल जाएगा लावा के थ्रू, इसलिए आपको इसे जो है ऑफ कर देना है। इसे ऑफ करने के बाद आपको अपना प्ले वाला आइकन में से क्लिक करना है, फिर आपका जो वर्ल्ड जनरेट होने लगेगा तो आपको पहले थोड़ा वेट करना है, अपने वर्ल्ड को पहले जनरेट हो जाने देना है। सॉलिड तो देखिए हमारा वर्ल्ड में यहाँ पे जनरेट हो चुका है, और मैंने आपको जैसे शुरू में बताया था आपको उसी तरह से जो है इसे आराम से प्ले कर लेना है। यहाँ पे स्टार्ट वाला आइकन में से क्लिक करेंगे तो फिर आपको टेलीपोर्ट हो जाते हैं, आप यहाँ पे आ जाएंगे। तो ऑलरेडी तो आज के वाले वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो से लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर भी आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि आपको और कौन सा मॉड्स के ऊपर वीडियो चाहिए। तो ऑलरेडी तो आज के वाले वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।